क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2019 में 3 मार्क्स का आया हुआ है, और यकीन मानो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा ही दिक्कत होती है, हमेशा गलत करते हैं। देखो जो तरीका मैं बता रहा हूं वैसे करना कभी गलत नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना कैसे क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट हुई है, क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है इस प्लेस एट अ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, कैसा है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और फोकल लेंथ, और तीसरा क्या दिया हुआ है फोकल लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस टू ऑब्टेन अ इमेज। देखो मतलब हमें इससे क्या पूछा, इमेज, इमेज क्या होता है वी, तो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें पता है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर ऐसे करा लेंगे, ठीक है ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है ठीक है, और यहां पर होता है यहां कहीं एफ और यहां कहीं सी। अब देखना ध्यान से, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती कहां है कि सर एफ माइनस कब ले, यू माइनस कब ले, वी माइनस कब होगा, बी प्लस कब होगा, यहां देखो ये ऐसा है ना, तो यहां पे आपको कोऑर्डिनेट बना लेना है ऐसे, ये कोऑर्डिनेट हो गया, देखना ध्यान से ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो हमें पता है ये वाला प्लस एक्स एक्सिस, ये वाला प्लस वाई एक्सिस, ये वाला माइनस वाई एक्सिस, और ये वाला वो माइनस एक्स एक्सिस, और ये वाला माइनस वाई एक्सिस, तो और ये ओरिजिन होगा इसको P मतलब O, O से, तो O से इधर जितनी भी चीज होगी वो सब माइनस होगी, तो हमें पता चल गया भाई O के इधर F है, मतलब F हमारा क्या होगा माइनस, मतलब कॉनकेव में हमारा F क्या होता है F इक्वल टू माइनस हमेशा। U को कहां रखेंगे, U को भी यही कहीं रखेंगे भाई, मिरर के सामने रखेंगे तभी तो इमेज मिलेगी, तो मिरर ये रहा मिरर के सामने यही कहीं रखेंगे, तो यार मतलब क्या हो गया हमारा U भी हमेशा माइनस होता है, ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है ये फिगर बना के, तुरंत 2 मिनट का काम है, तुरंत हो जाएगा, गलती से बच जाओगे, कि कॉनकेव मिरर में हमेशा एफ और यू हमेशा निगेटिव होते हैं। अब भी इतना पता होने के बावजूद भी वो गलती कहां होती है मैं वो बताना चाह रहा हूं, ये समझ में आ गया आपको, नोट डाउन कर लेना। अब देखो ये पता चल गया कि भाई यू मेरा कैसा है माइनस और एफ भी कैसा है माइनस, ठीक है, अब हमें पता है कि भाई मिरर फार्मूला क्या होता है, 1 upon f = 1 upon v + 1 upon u, ये हमारा मिरर फार्मूला होता है, ठीक है चेक कर लेता हूं, इतना दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, वीडियो बन रही है, समझ में आया यहां तक। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, v को निकालना है, तो v को इधर ले आओ, या एक काम करो u को इधर ले आओ, तो 1 upon f - देखो u इसको निकालना है तो इसको यही रखेंगे, इसको छेड़ेंगे, तो माइनस 1 upon u = 1 upon f, अब देखना ओ 1 upon v, आपसे गलती कहां होती है, यहां तक तो देखो सब कर लेते हैं, गलती होती क्या है, मैंने क्या बताया f कैसा होगा माइनस और u कैसा होगा माइनस, अब यहां पे जो वैल्यू रखोगे आप 1 upon f कितना है फोकल लेंथ 10, तो ये 10 लिख दिया, तो इसके सामने माइनस लगा लो क्योंकि ये माइनस के साथ होता है, अब ये माइनस ऐसे ही रहा, और u को हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखना ऐसे, कभी गलती नहीं होगी, u कितना है हमारा 1 upon 15, मतलब 1 upon 15 लिख लिया, लेकिन u कैसा होता है माइनस, तो यहां पे इसको माइनस कर देना ये ऐसे, यहां तक समझ में आया क्लियर है, नो डाउट बिल्कुल अच्छे से, और इधर क्या हो जाएगा ये 1 upon v, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो माइनस का 1 upon 10 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 upon 15 = 1 upon v, ठीक है, अब क्या करेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल सा एलसीएम ले लो, सर एलसीएम कितना होगा, देखो ये 30 होगा, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं निकाल पा रहे हो तो 15 की इधर 10 की इधर और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो -50 + 10 upon 15 × 10 = 1 upon v, यहां तक क्लियर है, तो देखो क्या होगा यहां पे सोल्व कर रहे हैं आप, देखना ध्यान से, -15 में से 10 गए तो माइनस का 5 बचेगा क्योंकि 15 के पास -16 साइन है, तो माइनस का 5 अपॉन नीचे में कितना आएगा 150 = 1 upon v, अब क्या करेंगे सर हमें तो v निकालना था, इसको पलट लो, तो मतलब v इक्वल टू माइनस का 150 upon 5, मतलब कितना जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, हमारा v निकल गया। अब ध्यान रखना जब भी v निकलेगा अगर वो माइनस में आएगा तो रियल और इन्वर्टेड होगा, और अगर प्लस में आएगा तो वर्चुअल होगा, और वो क्या बोलते हैं रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, अरे दिमाग से याद नहीं आता, अगर v माइनस होगा तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा, अगर प्लस आएगा तो वर्चुअल है इरेक्ट होगा, तो यहां पे माइनस आया, माइनस आ गया तो क्या होगा ये रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमसे क्या पूछा है h, h देखो कि h कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, हां देखो ध्यान से,
हमें क्या पूछा है, हाइट पूछी है। हाइट कैसे निकालेंगे हमें पता है भाई, हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, एच टू अपॉन एच वन इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। एच टू क्या है, एच टू है हाइट ऑफ इमेज, एच वन क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है माइनस ये डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब भी ये देखो ध्यान से, ये होगा ऐसे, ये कॉनकेव होगा तो ऐसे ही तो रखेंगे हम, कभी भी हम इमेज को ऑब्जेक्ट को ऊपर ही की ओर रखेंगे ना, तभी तो प्लस आएगा, और ऊपर की ओर क्या होता है हमेशा प्लस, ध्यान रखना ऊपर की ओर क्या होगा प्लस, तो मतलब एच हमेशा इसमें एच वन हमेशा प्लस में होगा। तो एच टू ऐसे ही रहा, एच वन कितना है देखो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और माइनस ये कितना निकला था 30 अपॉन यू कितना था हमारे पास 15, तो ये दोनों कट गए इससे देखो टू टाइम में, तो यहां से कितना आ जाएगा, शो डेट एच टू अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 2, तो यहां से एच टू कितना आ जाएगा, एच टू इक्वल टू माइनस 8 सेंटीमीटर। अब देखो एच टू जब भी माइनस होगा माइनस में तो नीचे की ओर लाइक करेगा, मतलब कैसा होगा नीचे की ओर, मतलब ये कॉनकेव हुआ ना ये ऐसे, तो ये तो एच अगर एच वन अगर प्लस है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो एच टू माइनस होगा तो ये नीचे की ओर, मतलब डिस्टेंस कहां बनेगी इमेज कहां बनेगी नीचे की ओर। आई बात समझ में, नोट डाउन करो अच्छे से, इमेज कहां बनेगी नीचे की ओर, आई बात समझ में। अब ये इससे भी पता कर सकते हो कि जब भी ये माइनस में आएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, आई बात समझ में, एक एक स्टेप समझ में आया, नोट डाउन करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें कैंडल वाला आएगा वो करवाऊंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ये करो और समझो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, ठीक है, नोट डाउन करो, अगला करते हैं।